आप देख रहे तेज खबर 24, मैं हूं आपके साथ विकास। रीवा में आज जोन आईजी व रीवा एसपी ने आज जिले के सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली है। बैठक का उद्देश्य जोन आईजी द्वारा जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों से सामान्य चर्चा के लिए था, जिस दौरान महिला संबंधी अपराधों व नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की चर्चा की गई। एसपी राकेश सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान आईजी ने नशे पर कार्रवाई की जमकर तारीफ की और बताया कि रीवा पुलिस की कार्रवाई की चर्चा मुख्यालय तक है। एसपी ने बताया कि बैठक के दौरान पेंडिंग अपराधों का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही नशे के अभियान को महाअभियान के रूप में चलाने के संबंध में चर्चा की गई। आज बैठक विशेष तौर पे महिला अपराधों, अनुसूचित जाति जनजाति के अपराधों और रीवा में नशे के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है उसको और किस तरीके से करना है, तीन विषयों पे हुआ था। इस जिले में इन अपराधों के अलावा एक सामान्य परिचर्चा भी जरूरी थी। बहुत लंबे समय से आईजी सर ने बात नहीं किया था अपने हमारे जिले के सभी थाना प्रभारी से, उन्होंने बात किया और हमारे थाना प्रभारी ने जो अच्छा कार्य किया, चाहे कोविड में किया हो चाहे अपराधों के निकाल में किया हो, उसकी तारीफ की गई। इसके अलावा जो है नशे के ऊपर जो अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर भी उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि नशे के ऊपर अभियान जारी रहना चाहिए। फॉरेस्ट के ऊपर बड़ी शानदार कार्रवाई की उन्होंने, यहाँ से लेकर भोपाल तक जो भी तारीफ हुई है पुलिस की, जिला पुलिस की, उससे थाना प्रभारी गण को अवगत कराया गया। अलग अलग जगहों से इलाके यहाँ पर बेची जा रही है, पैकारी के माध्यम से निर्देश दिए गए, ये सारी कार्रवाइयाँ होंगी। साथ में महिलाओं के जो लंबित अपराध हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के अंतर्गत जो लंबित अपराध हैं और भी जो लंबे समय से अपराध पेंडिंग हैं उनके सबसे निराकरण और सभी फरार अपराधियों के ऊपर बड़े भारी राशि के इनाम की घोषणा करने और उनके गिरफ्तार करने के निर्देश दिए।